यरोमन अन्योन्याश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब से मैंने वी और जोंगकुक की आइडल टाइप ऑफ गर्ल के बारे में बताया है, जब से लगातार आप सभी की जिमिन की आइडल टाइप ऑफ गर्ल की वीडियो को लेकर डिमांड कर रहे थे, तो आज आपका इंतजार खत्म हुआ। यानी आज मैं आपको हमारे बेबी मोची की आइडल टाइप ऑफ गर्ल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हमेशा की ही तरह जिमिन की आइडियल टाइप ऑफ गर्ल के बारे में बताने से पहले मैं ये कंफर्म कर देती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन BTS के प्रीवियस इंटरव्यूज के बेस पर बनाई गई है, तो अगर इसमें इन फ्यूचर कोई चेंज होता है तो आप मुझसे नाराज मत होना। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि सभी BTS मेंबर्स में जिमिन ही अकेले ऐसे मेंबर हैं जिनकी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, लेकिन वो काफी शैतान है और उन्हें BTS ग्रुप का प्ले बॉय भी कहा जाता है। हालांकि अब जोंगकुक भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जिमिन न सिर्फ आर्मी के बीच पॉपुलर हैं, बल्कि BTS मेंबर्स के सिबलिंग्स के बीच भी काफी पॉपुलर हैं। यानी वी और आरएन की सिस्टर भी जिमिन की बहुत बड़ी फैन है। यहाँ तक कि जीहोक की बड़ी सिस्टर भी जिमिन को काफी पसंद करती हैं। इन शॉर्ट, जिमिन की डिमांड गर्ल्स के बीच काफी ज्यादा है। लेकिन हमारे क्यूट बेबी मोची की आइडियल टाइप ऑफ गर्ल को लेकर डिमांड्स काफी क्यूट और सिंपल हैं। जैसा कि एक इंटरव्यू में जिमिन ने कहा कि उनको क्यूट गर्ल्स काफी पसंद हैं, जो क्यूट होने के साथ साथ नॉटी भी होती हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जिमिन ने कहा कि वो खुद काफी नॉटी हैं, इसलिए उन्हें शांत नेचर या कम बोलने वाली लड़कियां कम पसंद हैं। इसलिए वो चाहेंगे कि उनकी गर्लफ्रेंड काफी एक्टिव हो। इसके साथ ही जिमिन ने कहा कि उन्हें कोरियन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी आइडियल टाइप ऑफ गर्ल को कोरियन लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, साथ ही अगर उन्हें इंग्लिश या अदर कोई और लैंग्वेज आती होगी तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन वो उस गर्ल से बात करने के लिए कोरियन लैंग्वेज ही प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सभी BTS मेंबर्स ये तो चाहते ही हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड को कोरियन लैंग्वेज आती हो, तो आपको भी कोरियन लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और एक सीक्रेट बताऊं, मैं खुद भी कोरियन लैंग्वेज लर्न कर रही हूं, तो मैं आपसे इतना कह सकती हूं कि अगर आप अच्छे से कोरियन लैंग्वेज लर्न करेंगे तो आपको 1 ईयर में परफेक्ट कोरियन लैंग्वेज आ जाएगी। वेल, एक इंटरव्यू में जिमिन ने कहा कि वो खाने पीने के काफी शौकीन हैं और वो भी थोड़ा बहुत खाना बनाना जानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड एक अच्छी कुक हो और कोरियन फूड अच्छे से बनाना जानती हो। वेल, मुझे लगता है कि जिमिन ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जिमिन के फादर का एक रेस्टोरेंट है जहाँ उनके मम्मी और पापा दोनों कुकिंग के साथ साथ जिमिन के फैन से भी मिलते हैं। वहीं जब जिमिन से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक में कहा कि अभी तक तो गर्लफ्रेंड बनी नहीं है और बनने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़े इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यानी जिमिन को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। साथ ही जिमिन ने कहा कि मुझे ब्यूटीफुल और प्रिटी गर्ल चाहिए जिसका वेट 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेल, जिमिन ने अपनी हाइट और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपनी गर्लफ्रेंड की पर्सनैलिटी पर जोर देकर कहा कि उनकी हाइट के बराबर या कम हाइट की गर्ल्स उन्हें चाहिए, जिसमें उन्होंने कोरियन एक्ट्रेस पार्क बो यंग का नाम भी मेंशन किया कि उनकी पर्सनैलिटी और ब्यूटी उन्हें काफी अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, अगर आप जिमिन की आइडियल टाइप ऑफ गर्ल को और करीब से जानना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आपको पार्क बो यंग के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है जो जिमिन को वो इतना अट्रैक्ट करती हैं। यह आपकी डिमांड होगी तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। वेल, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक इंटरव्यू में जिमिन ने कहा था कि अगर कोई आर्मी गर्ल ऐसी उन्हें मिलती है जिसमें वो सारी क्वालिटीज होंगी जो वो देखते हैं तो वो उन्हें डेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे कि आपको भी ये मौका मिल सकता है, इसलिए आप इन सारी क्वालिटीज के साथ जिमिन से मिलिए, क्या पता वो लकी गर्ल आप हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड द मेथो बायो।